नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज पटना पहुंचे हैं और कल उन्हें पाटीदार जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करना है। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो राह बदल ली, मगर वो तेजस्वी यादव से जरूर मुलाकात करेंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं हार्दिक पटेल, सुनिए। मेरा तो एक ही रास्ता है, शायद दूसरों ने रास्ता बदल दिया है, उसमें मैं क्या करूं। और फिर एक बार इस बिहार की पवित्र भूमि पर आया हूं, फिर से बिहारी बाबुओं को नमन करता हूं, पवित्र भूमि को नमन करता हूं। यहां पर सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की हमारी बात रहेगी, युवाओं को शिक्षा, रोजगार और खासतौर पर किसानों की बात रहेगी। किसी के विरोध में है, किसी के समर्थन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार और अपने न्याय के लिए हम निकले हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हमने हमारा रास्ता नहीं बदला, किसी और लोगों ने रास्ता बदल दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं एक्चुअली सच बताऊं तो लालू जी से मिलने वाला था, लेकिन लालू जी का ऑपरेशन मुंबई में, इसलिए मैं उनको नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन 100% अगर तेजस्वी यहाँ पटना में हो गए तो बिल्कुल मिलूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया है, देखो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि पीओके के अंदर जो भी हमले होते हैं या बार झगड़े वगैरह जो भी होता है हथियार से, उसको मैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बोल सकता। और पहली बात कि सर्जिकल स्ट्राइक पर इतनी बवाल नहीं होनी चाहिए। तो बिहार में पटेल समुदाय को एकत्रित करने का एक प्रयास है और जिसमें हार्दिक पटेल भी जुट रहे हैं। विपक्ष के एक साथ होने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन सत्ता के खिलाफ है, इस बात को साफ साफ कह रहे हैं। वहीं नीतीश के सवाल पर वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश ने तो राह बदल ली है, मगर वो अपने राह पर अडिग है। बहरहाल बिहार के राजनीति में क्या कुछ तमाम अपडेट्स हैं, ये लाइव सिटीज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।